हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं इस वेट मापने की मशीन को। तो इसमें मैंने जो अमेज़न की जो सेल चल रही है, मैंने उस सेल में से ऑर्डर दिया था और ये मुझको पड़ा 299, मतलब 300 रुपये के। तो उस सेल में मतलब बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल रहा था, तो मैंने ले लिया। तो आज हम इसे अनबॉक्सिंग करेंगे और बात करेंगे कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जैसा आप देख सकते हैं, मतलब जो सेल वगैरह चल रहा है तो उसमें पैकेजिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। पैकेजिंग जो है, मतलब क्या बताएं, यहाँ पर देखिए कुछ धब्बे वब्बे पड़ गए और पैकेजिंग मतलब सिर्फ यही से आया है। मतलब कोई एक्स्ट्रा बॉक्स नहीं, कोई सेफ्टी वगैरह का ध्यान नहीं रखा गया, सिर्फ मतलब ऐसे ही करके आ गया। और ये देखिए पीछे मतलब एक कागज़ के ऊपर पूरा बिल चिपका दिया और इधर ही आ गया। मतलब सेफ्टी का जो ध्यान वगैरह है वो रखा नहीं गया बिल्कुल भी। तो ये बड़ा डिसअपॉइंट है, मतलब सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए था। और इसमें 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है और इसमें 1 ईयर जो वारंटी है उसे हम बढ़ा भी सकते हैं। जो पैक ख़रीदने के बाद आपको 1 ईयर वारंटी मिलेगा और इसमें अगर ख़रीदने के 15 दिन के अंदर अगर आप कंपनी को मैसेज करते हो या उनकी जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करते हो तो आपको 1+1 2 ईयर और एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसमें क्या है क्या नहीं है थोड़ा देख लेते हैं। इसमें एंटी स्कीड है, मतलब आप स्कीड नहीं करोगे। लो बैटरी इंडिकेटर है, मतलब अगर चार्ज ख़त्म, मतलब बैटरी की जो ख़त्म हो रहा है होगा तो आपको इंडिकेट पड़ जाएगा, दिख जाएगा। और LCD डिस्प्ले एक छोटा सा, मतलब पिक्चर पर देख सकते हैं, छोटा सा LCD डिस्प्ले होगा। और इसमें कैपेसिटी 180 kg तक है, 180 kg तक आप रख सकते हो। और स्टेप ऑन टेक्नोलॉजी है, मतलब अब पैड देने से ये ऑन हो जाता है। और सेफ्टी वगैरह का डिज़ाइन दिया हुआ है। तो ठीक है, इसे खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, चलिए काटते हैं इस प्रोडक्ट को, देखते हैं इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। पहले काट लेते हैं इसको एक बार। मतलब एक बात बहुत बुरा लगा, मतलब कुछ सेफ्टी पर्पस के लिए कुछ दिया नहीं, जस्ट ऐसे ही दे दिया। तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट आप मंगवा रहे हो, उसमें सेफ्टी का ध्यान तो रखना चाहिए ना यार, क्या बताएं। चलिए ठीक है, प्राइस भी तो देखना चाहिए, इतनी सस्ती प्राइस में आप क्या ही बोले। तो ये देखिए कुछ अंदर कुछ ऐसा पैकेट में दिया हुआ है। और चलिए इसे खोलते हैं और ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आया है, बबल रैप दिया हुआ है और काफ़ी वेट है इसका। मतलब वेट तो बहुत तो ज़्यादा नहीं, लेकिन वेट ही है। चलिए तो देख सकते हैं इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है। और ये देखिए पीछे के साइड एक जो बैटरी दिया हुआ है, चलिए बैटरी अलग से ख़रीदना नहीं पड़ेगा, जो बैटरी दिया हुआ है। और ये देखिए पूरा बबल रैप में आया है। और चलिए इसे खोलते हैं फिर दिखाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा है इतना सस्ता प्राइस रेंज में। मतलब मैं तो 299 में ख़रीदा था। और देख सकते हैं ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये भी ठीक ठाक है, मतलब पीछे की तरफ मैंने पैनल दिया हुआ है और ये लगता है ठीक ही है।
बढ़िया है एक तरफ से। देखना पड़ेगा ये सही वर्क करता है या नहीं, क्योंकि देखना पड़ता है कि सही वेट बता रहा है या नहीं, या फिर कुछ गलत तो नहीं बता रहा, तो सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। तो चेक करके हम वो सब बताएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। यस, इसको आप देख सकते हैं आप लोग, मतलब करीब से दिखा देता हूँ मैं, पीछे की साइड भी है सर। ये देखिए, ये मतलब घिसे ना तो इसमें दिया हुआ है ये। अच्छा, ये बैटरी रखने की स्लॉट है, इसमें बैटरी अंदर डालना पड़ेगा। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को एक बार। तो दोस्तों, मैंने इस पे बैटरी वगैरह ठीक से लगा दिया है, और बैटरी जो है वो पीछे की साइड लगता है, मैंने आपको दिखा, बैटरी वगैरह लगा दिया है। तो देखते हैं इसमें चल के कि ये सही सही वेट बताता है या फिर नहीं बताता है, या फिर क्या होता है। देखते दो तीन बार टेस्ट करेंगे कि एक बार में सही बताता है या बार बार चेक करने से कुछ अलग अलग रिजल्ट आता है। ये सब चेक करके आपके सामने ही बताएंगे। चलिए, तो कि जैसे आप देख सकते हैं इसमें अभी 66.30 दिखा रहा है, तो एक दो बार और चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अभी 65 दिखा रहा है, पहली बार 66 दिखा रहा था, अभी 65.35 दिखा रहा है। चलिए आप दो तीन बार चेक करते हैं, अभी भी 65 दिखा रहा है। तो पहली बार 66 दिखा रहा था, अभी 65.35 मतलब 65 ही दिखा रहा है। और दो तीन बार करते हैं चेक, अभी 65 ही आ रहा है। और दो बार करेंगे हम इसको, अभी भी सेम रिजल्ट आया है 65। और मेरा जो वेट है वो 65 ही है, क्योंकि मैं कभी हर महीने अपना वेट मापता हूँ, और जो मशीन होती है ना वो कांटे वाली, तो कांटे वाली मशीन से मापता हूँ, तो मेरा वेट 65 ही है, 65 रहता है। तो मतलब ये ठीक बता रहा है, पहले गलत बताया था 66 और अभी ठीक बता रहा है 65। मतलब मुझे लगता है कि एक दो बार चेक करने के बाद शायद गलत बताता है, या फिर कभी कभी गलत बताता है। अभी दो तीन बार ठीक है, और दो तीन बार करके देखते हैं क्या बता रहा है। अभी भी 65 ही दिखा रहा है, और एक बार करेंगे हम लोग। रुकिए, ऑफ होने दीजिए इसे, ठीक है। तो अभी भी 65 ही दिखा रहा है, मतलब पहले 66 दिखा रहा था, तो अभी तीन चार बार हमने किए। चलिए और एक बार कर ही लेते हैं तसल्ली के लिए। 65 ही दिखा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, पहले वो गलत दिखाया था, अभी 65 ही दिखा रहा है। और ये आप देख सकते हैं, इसमें एक टेम्परेचर भी दिया हुआ है, मतलब कितना टेम्परेचर है, और इसमें वेट आता है। और ये देखिए, ये बैटरी इंडिकेटर है, मतलब कितना बैटरी है ये है बताता है। तो बस मतलब बुरा नहीं है, मतलब प्राइस पॉइंट पे देखिए आप, 300 रुपीज़ में ये मतलब सही भी बता रहा है, और बिल्ड क्वालिटी भी वो कुछ बुरा नहीं है, मतलब तो ठीक ठाक ही है। मतलब अगर सस्ते रेंज पे आप एक वेट मशीन लेना चाहते हो तो मतलब ठीक ठाक ही है। और बता दिया मैंने आपको क्या है या नहीं है। और ये बेट XP कंपनी का है, तो ये सेल में मैंने लिया था, जो अमेजोन का जो सेल चल रहा है उसमें, तो कुछ बुरा नहीं है, और ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं है इसमें, सिर्फ वेट दिखाता है, टेम्परेचर दिखाता है, बैटरी इंडिकेटर दिखाता है, और इसमें दो बैटरी छोटी बैटरी लगती है। तो बुरा कुछ नहीं है, अगर आपको सिर्फ वेट नापने के लिए लेना है तो आप ये ले सकते हो, और आपको अगर बजट टाइट है आपका, सस्ती प्राइस में अगर आपको लेना है तो आप ये ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका बजट थोड़ा ऊपर है, मतलब पैसे अगर आप के पास है आप दे सकते हो, तो इससे भी कुछ ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट आता है, जो ज़्यादा फीचर्स के साथ आता है, ज़्यादा एक्यूरेट बताता है, उसका सेंसर वगैरह बहुत अच्छा है, तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट टाइट है, या फिर आपको कम प्राइस में जस्ट वो एक नापने वाला एक लेना है, तो आप ये मशीन ले सकते हो, कुछ बुरा नहीं है।
आपके आप लोगों के सामने ही मैंने पूरा अनबॉक्सिंग करके दिखाया, पूरा नया जो चीज़ था, तो कुछ बुरा नहीं है, आप ले सकते हैं इसे। अगर लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उससे जाके चेकआउट करके आप ले सकते हो। और आपको अच्छा लगता है तो बाकी आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो चलिए, जाने से पहले एक बार फिर से नाप लेते हैं, देखते हैं। अभी भी वो सेम 65 ही दिखा रहा है, आप देख सकते हो, ये देखिए अभी भी 65 ही दिखा रहा है, तो बुरा नहीं है। आप अगर लेना चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप उससे ले सकते हो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।